फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। मेरे चैनल का नाम है लखनऊ रुचि ब्यूटी चैनल। फ्रेंड्स, आप सबके कमेंट्स आए कि मैम आपने रिव्यू करके तो दिखा दिया, बता दिया, समझा दिया बहुत अच्छी तरह से, मगर आपने यूज़ करके नहीं दिखाया कि इसका सही तरीका क्या है यूज़ करने का। तो मैंने सोचा कि क्यों ना भाई, आपके कहने पर मैं यूज़ करके भी आपको दिखा देती हूँ कि इसे यूज़ कैसे करना है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो है, मैं आपको बैक कैमरे से इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए, एकदम साफ तरह से समझ में आ जाए कि कैसे करते हैं। तो अब ओपन करती हूँ तो इस तरह से 4 वाइप्स मिलती है, फिनिशिंग वाइप्स होती हैं इसके अंदर। जब आप वैक्स कर लो तो आपको ये मिलती हैं, तो इससे आप जो है अपने जहाँ पर वैक्स करते हो तो वहाँ पर आप इससे जो है क्लीन कर सकते हो। ठीक है, फिर ये आपको 20 जो हैं वैक्स स्ट्रिप मिलती हैं। तो ये देखिए, आपस में स्टिक रहती हैं, ये देखिए इस तरह से स्टिक रहती हैं आपस में। इसमें एक में 2 हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं, कैसे यूज़ करना है मैं आपको पूरा दिखाऊंगी। तो सबसे पहले आपको वैक्स स्ट्रिप को इस तरह से रब करना चाहिए, जो इसके अंदर का वैक्स है वो अच्छी तरह से हीट हो जाए, हीट होकर थोड़ा से मेल्ट हो जाए। तो इस तरह से आपको करना चाहिए, तो अच्छी तरह से आपको रब करना चाहिए। देखिए 3 से 4 मिनट तक आपको रब करना पड़ता है। अब हमें जो वैक्स स्ट्रिप है उसे अलग करना है, तो इस तरह से धीरे धीरे आप अलग करोगे, आराम से अलग हो जाएगी, कोई भी इसमें टेंशन की बात नहीं है। ये देखिए बहुत आराम से अलग हो ही जा रही है, ये देखिए। उसके बाद आपको एक स्ट्रिप को अच्छी तरह से लेना है और इसको फोल्ड कर देना है ताकि हमारा बाद में यूज़ हो जाए जब हम वैक्स करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से फोल्ड कर देंगे तो आपका जो वैक्स है अंदर का वो ख़राब नहीं होगा और आप बाद में यूज़ कर सकते हो। तो ये देखिए, मैं आपको अपने हैंड पे करके दिखाऊंगी। तो ये देखिए, और अब मैं वैक्स स्ट्रिप लूँगी और इसको मैं अपने हैंड पे लगाऊंगी। अच्छी तरह से हमें लगाना है, उसके बाद इसको हल्के हल्के हाथों से रब करना है ताकि ये अच्छी तरह से स्टिक हो जाए। तो ये देखिए, मैं इस तरह से रब कर रही हूँ ताकि ये अच्छी तरह से हर जगह से स्टिक हो जाए। ये याद रखिए कि जब भी आप स्टिक कीजिए और जब निकालिए तो हेयर के अपोजिट साइड निकालना है। तो ये देखिए, तो देखिए जहाँ पर वैक्स स्ट्रिप थी और मैंने निकाला है तो वहाँ पर एकदम क्लीन हो गया है, ये देखिए। और इसमें हेयर भी अच्छे खासे आ गए हैं। तो जब तक आपका वैक्स स्ट्रिप में से स्टिकनेस ख़त्म ना हो तब तक इसी स्ट्रिप को आपको यूज़ करते रहना है इसी तरह से। तो ये देखिए, मैं उसी स्ट्रिप को दोबारा इस्तेमाल कर रही हूँ, जैसे मैंने बताया कि उसी स्ट्रिप को तब तक यूज़ करना है जब तक इसका ग्लू ख़त्म ना हो जाए, यानी वैक्स ख़त्म ना हो जाए स्टिकनेस, तो तब तक यूज़ करना है। अब हम फिनिशिंग वाइप यूज़ करेंगे। तो ये देखिए, थोड़ा ऊपर करो, और इसमें एक पेपर जैसा निकलता है। तो ये देखिए बिल्कुल पेपर जैसा है, एकदम थिन पेपर होता है, पतला सा और ट्रांसपेरेंट होता है, और इसमें बहुत सा ऑयल होता है। ये देखिए मेरे हैंड पे, ये देखिए ऑयल होता है। और अब मैं अपने हैंड पे इसको रब करूँगी, मैंने हैंड पे वैक्स किया है तो हैंड पे रब करूँगी। ये देखिए इसका रिज़ल्ट देखिए, ये देखिए मेरे हैंड कितने स्मूथ हो गए हैं। ये देखिए, मैं आपको कैमरे के पास करके दिखाती हूँ कितना स्मूथ हो गए हैंड, है ना, वाकई बहुत सॉफ्ट हो गए हैं हैंड आपको। फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा ये वीट पैक्स वाला वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलो अब मैं चलती हूँ, बाय।